तो दोस्तों एक समय था जब इंडियन रेलवे एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट थी, कोई भी जॉइंट वेंचर नहीं करती थी, लेकिन 2015 से हमने सिग्निफिकेंटली ये सब इंप्रूवमेंट्स देखने मिले और उसके बाद से जर्मन कंपनी, फ्रेंच कंपनी, जापानीज कंपनी, इनके साथ कोऑर्डिनेशन हमें देखने मिला और इसी का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा देश का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव WAG-12। और आपको जानकर खुशी होगी इसका अभी काफी अपग्रेडेड, काफी एडवांस्ड वर्जन WAG-12BE लोको भी जल्द ही ला दिया जाएगा। ये पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इसमें काफी एडवांस फीचर डाले गए हैं, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, फिर एयर कंडीशन, ऐसे लोकोमोटिव में डाल दिया गया है फाइनली, फूड प्रिपरेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज, इनफैक्ट टॉयलेट्स भी इसमें बिल्ट किए गए हैं, स्पेशियस केबिन्स स्पेशली लोको पायलट्स के लिए बनाए गए हैं सो दैट वो अपना काम कंफर्टेबली कर सकते हैं। ये लोकोमोटिव काफी हैवी ड्यूटी वाले हैं ही, 6000 टन्स की कैपेसिटी हाउल कर सकते हैं, वहीं टॉप स्पीड भी इनकी 120 किलोमीटर पर आर की है। अब वो समय भी खत्म हो गया जब भारतीय रेलवे काफी पुरानी टेक्नोलॉजी से मेंटेनेंस करती थी और अब आप देख लो यहाँ पर तो काफी एडवांस सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टूल जैसे हेल्थ हब TM। ये इतना एडवांस और शक्तिशाली सिस्टम है, बेसिकली ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर देता है लाइफ साइकिल कॉस्ट। इसके अलावा ऑनबोर्ड रियल टाइम ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। और तीन जो सबसे की कंज्यूमेबल है ऑफ ट्रेन के, जिसमें व्हील्स, ब्रेक पैड्स, पेंटोग्राफ, कार्बन स्ट्रिप कितना हुआ है, ये सबको भी ये सटीक मात्रा में रिकॉर्ड करता रहता है। अब लोकोमोटरी तो ठीक है, लेकिन ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिलेटिवली मॉनिटर करता रहता है यूजिंग इट्स एडवांस टूल्स जो कि कमर्शियल ट्रेन्स में इंस्टॉल रहते हैं। ओवरऑल ऐसे एडवांस सिस्टम की वजह से आज के समय में आप देखो 95% अवेलेबिलिटी है हमारे ऐसे शक्तिशाली लोकोमोटिव्स की। और होपफुली आने वाले समय में भी अगर ऐसे जॉइंट वेंचर्स हुए तो भारत डेफिनेटली यूरोपियन और वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी आगे निकलकर हाई क्वालिटी ऑफ ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी रखेगा। So this is end for this video and thanks for watching.